दोस्तों, सभी दवाइयों का बाप है ये औषधि। इसके इतने फायदे हैं कि ये हार्ट प्रॉब्लम को, घुटनों का दर्द होना, घुटनों के जो जोड़ होते हैं उनकी झिल्ली जिसे कार्टिलेज कहा जाता है वो अगर धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर आप अपने वजन को घटाना चाहते हैं, आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये औषधि बहुत कारगर है। दोस्तों, जो भी लोग वेजिटेरियन है और उनके अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या फिर नॉन वेजिटेरियन है और बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, दोस्तों जोड़ों में दर्द रहता है, स्किन प्रॉब्लम हो चुकी है, दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ चुकी है, उनके लिए तो ये औषधि एक रामबाण है। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ ये औषधि कौन सी है, आप कैसे इसका सेवन कर सकते हैं, वो भी घर की चीजों से। दोस्तों, इस औषधि का नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, पर रुकिए रुकिए, क्या आपको पता है कि इस ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी अगर शरीर में हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं? समझने की बात यह है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक तरह का एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमारे शरीर में खुद पैदा नहीं होता, बल्कि इसे खाने वाली चीजों से हमें पूरा करना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि आजकल जैसा लोग खाना खाते हैं उसमें ओमेगा 3 की मात्रा ना के बराबर होती है। हर एक इंसान को रोज का 500 mg से लेकर 700 mg तक जरूर ओमेगा 3 लेना चाहिए, और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उनको ओमेगा 3 की मात्रा इससे भी ज्यादा लेनी है। खाने में ओमेगा 3 की कमी से धीरे धीरे शरीर में ओमेगा 3 की कमी होने लगती है, जिससे धीरे धीरे शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ ओमेगा 3 की कमी होने पर 5 कौन से लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं और इसे कैसे बहुत आसान तरीके से, चाहे आप वेजिटेरियन है चाहे आप नॉन वेजिटेरियन है, इसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है कि आप ये तो जानते ही होंगे कि कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल। जब हमारे शरीर के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाती है तो ये बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। दोस्तों, दूसरा लक्षण है आंखों का रेटिना लगभग 60% तक ओमेगा 3 से बना होता है। जब शरीर के अंदर ओमेगा 3 की कमी होने लगती है तो आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगती है, आंखों में खारिश होना, आंखों में रेडनेस रहना और धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत जल्दी से आंखों की रोशनी एकदम से गिरने लगती है, कम होने लगती है। दोस्तों, ओमेगा 3 दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खून की कमी से एनीमिया की बीमारी हो जाती है, उसी तरह से ओमेगा 3 की कमी से दिमाग कमजोर होने लगता है, जैसे किसी बात को तुरंत भूल जाना या फिर कोई चीज अपने भूल चुके हैं तो वो जल्दी याद ही ना आना, पढ़ाई या किसी भी काम में फोकस होना ही ना, डिप्रेशन, सिर दर्द, चक्कर आना, ये ओमेगा 3 की कमी के लक्षण है। एक्चुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड डिप्रेशन और एंजाइटी से फाइट करता है, दिमाग के सोचने समझने की पावर को बढ़ा देता है। इसीलिए अगर शरीर में ओमेगा 3 की कमी हो जाती है तो सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, नसें जो है दिमाग की वो भी कमजोर पड़ने लगती है। दोस्तों, अगली बात की जाए तो ये जॉइंट के लिए, अगर हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कमी है तो ये जॉइंट के लिए बहुत खतरनाक है ये कमी, क्योंकि अगर जॉइंट के अंदर ओमेगा 3 की कमी हो जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट है, वो बहुत कम हो जाती है। चलते फिरते टाइम या फिर वैसे ही बैठते टाइम कटकट की आवाज आती है या जोड़ दर्द करते हैं। दोस्तों, अगली बात की जाए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारी स्किन के ऊपर एक बैरियर की तरह काम करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये बैरियर खत्म होने लगता है, जिसके कारण हमारी स्किन बहुत काली पड़ने लगती है या फिर बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। सनबर्न से बचाने के लिए या फिर पोल्यूशन से बचाने के लिए इस ओमेगा 3 का हमारी स्किन के ऊपर होना बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी होने लगे तो लोगों के अंदर एंजाइटी, सोराइसिस या फिर ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस की समस्या आ जाती है, और ओमेगा 3 की कमी ज्यादा हो जाए और इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये डैंड्रफ का कारण बनती है, बालों में पपड़ी की तरह ये डैंड्रफ उतरने लगता है। तो दोस्तों, ये थी अगर ओमेगा 3 की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो इसके कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अब जानते हैं घर पर रहकर नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन इसकी कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ओमेगा 3 की कमी को पूरा करने का बहुत आसान सा साधन है, अब फ्लेक्स सीड, चिया सीड या वॉलनट, ये तीनों चीजों के अंदर ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी बॉडी के लक्षणों को दूर करता है और बीमारियों को भी दूर कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहते तो मैं आपको इसके कैप्सूल बता रही हूँ। यह है एनवेदा के ओमेगा 3 के फिश ऑयल कैप्सूल है। दोस्तों, इनका साइज बहुत बिग होता है और आपकी रोज की जरूरत को ये पूरा कर देगा। सबसे पहले इसकी क्वालिटी ये बता दूं कि फिश ऑयल जो मार्केट में मिलता है उसे अगर आप खाते हैं तो उसमें से स्मेल आएगी
और हर इंसान रोजाना इस स्मेल को अपने अंदर इंटेक नहीं कर सकता। लेकिन एनवेदा की एक खासियत ये है कि इसका जो ओमेगा 3 फिश ऑयल है ये स्मेल रहित है, यानी इसमें से स्मेल नहीं आती, ये बिल्कुल नेचुरल है। दोस्तों मैंने जहाँ से इसे मंगवाया है अगर आप भी वहीं से मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से मंगवा लीजिए। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, थकान रहती है तो आप इसे जरूर दूर करें। दोस्तों अगर आप रोजाना इसका एक कैप्सूल खाते हैं तो ये हमारे हार्ट यानी हृदय और कोलेस्ट्रॉल में अच्छा रोल अदा करता है। अगर आप किसी भी हार्ट से रिलेटेड परेशानी से गुजर रहे हैं या फिर आपकी बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपको रोजाना इस फिश ऑयल को, ओमेगा 3 के फिश ऑयल को रोजाना एक जरूर लेना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, हार्ट अटैक से बचा कर रखता है। दोस्तों ये हमारे शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसके इतने सारे फायदे हैं और लेने का तरीका बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है, कम दिखाई दे रहा है तो आपको ओमेगा 3 का इस्तेमाल जरूर करना है। स्पेशली इसके अंदर जो DHA पाया जाता है वो हमारे रेटिना के टेक्शन कंपोनेंट है, उन्हें बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है आपको रेगुलर ओमेगा 3 का इस्तेमाल जरूर करना है, सेवन जरूर करना है। दोस्तों इसके अलावा ये फैटी लीवर में बहुत मदद करता है। अगर किसी की फैटी लीवर हो चुका है, अगर खाना खाया हुआ पचता नहीं है तो ओमेगा 3 का कैप्सूल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर गुड फैट पाई जाती है, बैड फैट यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, यानी कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है। अगर किसी इंसान को अर्थराइटिस हो चुका है, ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया हो चुका है, इंफ्लेमेशन जोड़ों में रहती है, तो उनको भी रोजाना ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल जरूर करना है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो सूजन को दूर करने में मदद करती है। दोस्तों ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश ऑयल है ये हमारे स्किन पर ग्लो लाता है। अगर आपके फेस पर भी बहुत ज्यादा पिंपल होते हैं, बार बार पिंपल होते हैं और उसके दाग रह जाते हैं, तो दोस्तों बहुत साधारण सी चीज है ना, इसका सिर्फ आप एक कैप्सूल खाकर इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में अपने और अपने बच्चे के दिमाग को बढ़ाने के लिए आपको रोजाना ओमेगा 3 का एक कैप्सूल जरूर खाना है, लेकिन उस टाइम अपने डॉक्टर से पूछ कर खाइए, ये बहुत फायदेमंद है, लेकिन एक बार सलाह जरूर लीजिएगा। इसके अलावा ये डिप्रेशन और एंजाइटी के केस में भी बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों ये चीज बहुत बार देखी गई है कि ओमेगा 3 का रेगुलर इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत सारी मेंटली डिप्रेशन जो होता है उसमें बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा ये बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, कमजोर है, डैंड्रफ की समस्या है तो भी आपको रोजाना ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल जरूर करना है। बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी जिससे बाल झड़ना रुक जाएंगे। इस औषधि का सेवन आप जरूर कीजिए ताकि बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहें और आपको ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े। दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यही तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।